अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप उस चीज़ के बारे में सोचना ही भूल जाइए जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्यारी हो या जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा इच्छा रखते हो, तो शायद आप उसके बारे में और भी ज़्यादा सोचने लगेंगे, क्योंकि मैं आपको ऐसा कह के उस चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा अटेंशन दे रहा हूँ। और जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोचिए, तब आपके चित्त में केवल वही बात रहेगी और आप जानबूझकर उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपकी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाएगी और आप उस चीज़ के बारे में सोचना भूल जाओगे और किसी दूसरे चीज़ में संलग्न हो जाओगे। ऐसा इसलिए होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में फोर्सफुली उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो असल में हम उस चीज़ में और भी ज़्यादा डूबते चले जाते हैं। इसे कहते हैं बैकवर्ड्स लॉ, यानी जो करोगे उसका उल्टा ही होगा। ये फिलॉसफी दिया था ब्रिटेन के फेमस फिलॉसफर एलन वॉट्स ने। एलन वॉट्स का कहना था कि आप पानी के सरफेस में आने का जितना ज्यादा प्रयास करोगे, आप उतना ही ज्यादा डूबते जाओगे। और आप जितना ज्यादा अपनी बॉडी को फ्रीली छोड़ दोगे, हाथ पांव मारना ही छोड़ दोगे, तो आप आसानी से पानी के ऊपर आ जाओगे। यानी वो लेट इट गो वाली सोच कि जो होगा सो देखा जाएगा। मतलब जिस भी चीज़ की आप कल्पना या कामना करते हो, आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, केवल और केवल प्रेजेंट सिनेरियो पर ही ध्यान देना है। और एलन वॉट्स क्या कहते थे, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा लव और रिस्पेक्ट चाहता है, उसे उतना ही ज़्यादा हेट और इंसल्ट मिलता है। कारण ये बताया जाता है कि किसी भी चीज़ की कामना करना ये बताता है कि व्यक्ति के पास शुरू से ही उस चीज़ की कमी है, और उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए व्यक्ति उस चीज़ की कामना करता है, उसको पाने की कोशिश करता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में पूरा ना हो, जो पूर्ण ना हो, उसे साइकोलॉजी की भाषा में एक अधूरा, एक लोनली व्यक्ति कहा जाता है, जो हमेशा ही दुख को पाता है। एलन वॉट्स का कहना है कि एक व्यक्ति को ये बात पता ही नहीं है कि आखिर वो चाहता क्या है, आखिर उसकी डिज़ायर क्या है। और ऐसा कैसे हो जाता है, व्यक्ति को ये खुद ही कैसे पता नहीं होता है कि वो आखिर चाहता क्या है। दो चीज़ें उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि एक व्यक्ति जिस भी चीज़ की डिज़ायर करता है, शायद वो चीज़ उसके पास पहले से ही होती है, वो व्यर्थ में ही बाहर की चीज़ों की तरफ भागता रहता है। और दूसरा ये है कि उसे पता ही नहीं है कि आखिर वो है कौन, क्योंकि उसने कभी भी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक कोई काम किया ही नहीं है, इसलिए वो अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया है। इन्हीं दो कारणों की वजह से कोई व्यक्ति ये बात पता ही नहीं कर पाता है कि उसकी ट्रू डिज़ायर क्या है, बल्कि वो दूसरे लोगों से प्रभावित होकर अपनी इच्छाओं को निर्धारित करता है। तो आपको करना क्या है, आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कल्पना ही नहीं करना है, उसके बारे में दिन भर सोचना ही नहीं है जिसके बारे में आप इच्छा रखते हो या कामना करते हो। आपको उस चीज़ के पीछे बिल्कुल भागना ही नहीं है, नहीं तो वो चीज़, उस चीज़ की सोच आपको इतना ज़्यादा भगाएगी, इतना भगाएगी कि आप कभी भी उस चीज़ के तरफ ध्यान ही नहीं दे पाओगे जिस चीज़ को करके आप उस चीज़ को या उस इच्छा को पूरा कर सकते हो। तो जो भी इच्छा रखते हो उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है, बल्कि उस चीज़ की तरफ ध्यान देना है जिसको करके या जिसको सोच कर आप उस इच्छा तक पहुँच जाओ। साइकोलॉजी कहती है कि आपके जीवन में जो भी घटना घट रही है, वो सभी चीज़ें कुछ ना कुछ आपको शिक्षा देती हैं, भले ही वो आपको कितना भी दुख दे, लेकिन वो आपके साइकोलॉजी को एक तरीके से अपग्रेड ही करती है। इसलिए अगर आप एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को भी एक्सेप्ट कर लोगे, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरफ भागना कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, ये भी एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव फील करके कभी भी जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को जान ही नहीं पाओगे जिसके कारण से आपकी साइकोलॉजी और भी ज़्यादा अपग्रेड होगी और आपको जीवन में आगे बहुत सारा दुख भी मिल सकता है, क्योंकि आपने तो कई चीज़ों का अनुभव ही नहीं किया है। यही कहना था एक मशहूर ऑथर मार्क मेंशन का। भले से ही साइकोलॉजी को कुछ लोग सूडो साइंस कहें, लेकिन कुछ नहीं, बहुत से लोगों ने अपने जीवन में प्रैक्टिकली इसे उतार कर बहुत से फायदे भी लिए हैं। इसलिए मैं आपसे तो यही कहूँगा कि आप पहले तो किसी चीज़ की इच्छा ही मत रखिए, और आपको किसी चीज़ के पीछे भागना ही नहीं है, यूनिवर्स खुद ब खुद आपको वो सब चीज़ें दे देगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना।